हाय उत्तराखंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आप कह रहे होंगे होली ख़त्म हो गई, ये अभी भी होली की ड्रेस में है और होली की वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं होने से, क्योंकि मैं हूँ अभी गांव में, देख सकते हो, और होली की वीडियो गांव से शूट कर रही हूँ। अभी होली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे नहीं मतलब सभी जगह। तो आज फिर कल छरणी हो जाएगी, तो आज दूसरा दिन है मेरा गांव में, तो दूसरी ब्लॉग बन रही है। आज बहुत दूर आए हैं हम घर से, दिखाती हूँ पहले, और पीछे बड़ी जेठानी और छोटी जेठानी आ रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, ये यहाँ पर घर है। यहाँ से हम यहाँ इन मकानों के रास्ते यहाँ से नीचे आए एकदम गधेरे, फिर यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई। ये दीदी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किट्टू आगे चली गई। ये रहा गांव और ये रहा गांव का नज़ारा। लास्ट सबके थक्के ऐसे लाल हो गए, किट्टू तो बिना रंग लगाए लाल रख दिख रही है। तो ये सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, हमें है। थक गए जितते रहो। देखो मामी यहाँ पे दिखेगी आपको, चलो यहाँ पे सभी रुके थे। देखो सारे ना गाड़ी को अटैक करने के सोच रहे हैं, पहले यहाँ से जा रहे थे, अब गाड़ी देखी तब यहाँ से आ रहे हैं। आ गए गाड़ी, देखो ना। किट्टू इतनी चालू है, पहले ही बता दिया। सबने गाड़ी को अटैक कर दिया। हम तो पहले ही आ गए थे यहाँ पे, थोड़ा छाया में बैठने के लिए ये आ रहे हैं गाना गाते। इन्होंने गाड़ी को रोकी थी ना, वो ये माया वाले बाबा। क्यों नहीं गा रहे आप? वाह चलो आगे चलते हैं। इधर से भी मकान, इधर से भी मकान, बीच में इतना बड़ा पत्थर, कितना नेचुरल। अब हमें इस वाले मकान में जाना है। यहाँ पे हमारी चलते चलते हालत खराब, और यहाँ पे हम हमारे गांव के लड़कों की होली मिल गई। कितनी लाल हो गई किट्टू। अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ, अभी तो आधे वही होंगे। हम तो जो थोड़ा तेज तरार थे वही दौड़ पाए ये लोग। अब हमें यहाँ ये देखो कोई यहाँ पे है, यहाँ नाच रहे हैं आधे, और आधे तो वहाँ है। दोनों का डांस मिक्स होगा यहाँ पे। मैंने अभी तक ये खा रही थी, नाचने के लिए ढोलक मेरे को पकड़ा गई।
बॉम्बे। अब तो बाथरूम के लेंटर में चले जाओ, बीच में जाना। सारे जेंट्स साइड लग गए, अब बोल रहे हैं लेडीज होली होगी। यहाँ से जा रहे, कहाँ जा रहे हो? अभी यहाँ से चल के ऊपर वाले घर में जाना है, और आगे से लेडीज पीछे से जेंट्स होली आ रही है। Sour and pure, apna bana le।
वाले मकान से अब इस वाले मकान में हैं, उसके बाद सीधे हमारे घर में। हाँ हाँ ताऊ जी सब आ रहे हैं, पीछे ऊपर ताऊ जी बोले सब आ रहे हैं, ये पता नहीं थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो लेडीज पार्टी आ रही है और जेंट्स उसके पीछे आ रहे हैं। एक होली यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद सीधे हमारे घर में होगी, फिर उनका रात वाला विश्राम यहाँ पे, जो खाना वाना बनेगा। और हम यहाँ से लेके जो पार वो बैंड दिख रहे हैं उससे आगे नीचे मकान दिख रहे हैं वहाँ गए थे, वहाँ से हम नाचते हुए ये सारे घर एक करके आधे रास्ते में हम जेंट्स लोगों के साथ मिले थे और काफ़ी मज़ा आया। सुबह जाते समय तो बहुत थकान हो गया, अभी आते आते शाम हो गई है, थक गए हमारे प्रधान जी। ए पैसे का पर्स कहाँ है? अभी घर में आ गए, घर में सबकी चाय पकौड़े पार्टी चल रही है। होलियार के लिए चाय पकौड़े बन रहे थे, अपना एक पेट भर वहाँ पे सयानों को यहाँ पे काम पे लगाया है, जवान जवान चाय पकौड़े कर रहे हैं। शाम के लिए म्यूजिक सिस्टम लग रहा है, सारे बिठा गए हैं, चाय पकौड़ी होगा अभी। गाइस नींबू वीडियो कॉल दिखा, चलो मैं यहाँ से ही देखती हूँ, सभी सभी को चाय पकौड़े कराते हैं। Oh,
थोड़ी हलवे हलवे अगले एक साल के लिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार हम खेलते रहें, कूदते रहें, नाचते रहें, हंसते रहें, और अगले साल भगवान से विनती करते हैं सभी जिस प्रकार से आज हैं उसी प्रकार से अगले साल होली में हम ऐसे भी दोबारा से मिलन हो। ये हमारे होलिका माँ से और विष्णु भगवान जिन्होंने इस होलिका की रचयिता रची, और ब्रह्मदेव से हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये होलिका की रचयिता रची, और हम माँ भगवती चिल्टा और माँ भगवती माता मंदिर माँ और हमारे भूम्याल देवता जो आप सबको भली भांति याद है, साक्षात आप लोगों को दर्शन दिया था हमारे भूम्याल देवता ने। सन कितने सन में भाई गोविंदा जी कितने सन में हमको दर्शन हुए थे? करीबन मैं भर्ती नहीं हुआ था 87 से पहले की बात है, 87 की बात है। और भूम्याल देवता ने हमारे कीर्तन मंडली हुई थी और बहुत बहुत जगह गए, हमारा एक महीने का प्रोग्राम था, हम बहुत पुराने लोगों ने साथ है हमारे गोविंद सिंह दाजू जैसे, जय सिंह दाजू जैसे, प्रेम सिंह दाजू जैसे, मेरा ससुर और मेरे भाई लोग, बहुत सारे लोग थे जो पुराने लोग थे। कीर्तन मंडली होती थी यहाँ, रामलीला होती थी यहाँ पर, और हमारे वहाँ पर भूम्याल देवते के यहाँ जब कीर्तन मंडली हुई, एक साधु रहते थे वहाँ पर नीचे भोहर गजार में रहते थे वो, वहाँ से हम उनको इन्वाइट करके लाए यहाँ पर आसन में बैठे कीर्तन मंडली जी में, हमको भगवान की छत्र छाया। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो बिल्ली होता है ना पालतू या कुत्ते का पिल्ला होता है वो भी लोगों के ऊपर नहीं आता है, कभी नहीं देखा होगा आपने, सिर तक नहीं चढ़ेगा बिल्ली भी कभी भी। ऐसी एक पशु हमारे पास मंदिर में दर्शन हुए जो हारमोनियम के पास और कीर्तन मंडलियों के पास मंदिर में उदय जब मेरे ख्याल पुजारी थे हमारे उदय सिंह जब वहाँ पर पुजारी थे वहाँ गए, वो जो पशु आया था एक मतलब बिराल जैसा से थोड़ा सा मोह जैसे बाघ जैसे है ना, पूरा घूम फिर करके सब में चढ़ करके यहाँ से अलोप हुए थे। मेरे ख्याल जय सिंधारी दे ये माँ बोझिल वो जाना है वहाँ पे जहाँ पूजा हो गई थी, पूजा हो गई थी तो वो जा नहीं रहा था वहाँ से, फिर यहाँ लाए ये लोग यहाँ, उनको दूध वूध पिलाया, फिर अगले 2-7 दिन के अंदर वो गायब हो गया था। और यहाँ नाले में भी शेर का कुछ दर्शन था, जोगी ने बोला कुछ नहीं है बेटो आप बैठ जाओ, कुछ नहीं है ये भगवान है, ये कुछ आपको कुछ करेगा नहीं, और शेर भी है उधर को, ये भी बोला था आप पुराने वालों को अगर पता है तो, इतनी इतनी छाया है उसमें हमारे भूम्याल देवता में। और अगले आने वाले 10 अप्रैल को 9-10 अप्रैल को हमारा यहाँ रामायण का आयोजन है जो हम लोगों ने कोरोना काल में प्रारंभ किया था तो उसका हमने नहीं दिया है, तो अप्रैल 9-10 का प्रोग्राम बना है क्योंकि उसमें नवमी रामनवमी है ना, रामनवमी आता है उस टाइम में कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के आ गया है साथ दें और भगवान का आशीर्वाद आप लोग भी लेके जाएं। तो मैं इससे ज़्यादा ना कहते हुए अभी हम समापन करते हैं यहीं पर होली का, और सीधा हम नीचे जाएंगे एक छोटी सी होली वहाँ पर गाएंगे, उसके बाद रात्रि भोज करेंगे, अपने घर जाएंगे, सुबह 9:30 बजे सब आ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।